कपूरथला स्थित पुष्पा गुजराल साइंस सिटी विखे स्थापित परमाणु शक्ति केंद्र विखे लोगों नूं परमाणु ऊर्जा की वरतों प्रति जागरूक करन दे लई परमाणु शक्ति दे आधारित गैलरी दा अज विस्तार करके सैलानियों लई खोली गई है। इस गैलरी का विस्तार न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया वालों किया गया है। परमाणु शक्ति के आधारित इस विस्तारित गैलरी का उद्घाटन साइंस सिटी के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर नीलिमा जैरत वालों किया गया। इस मौके डॉक्टर जैरत ने जानकारी दिंदिया दस्या कि परमाणु ऊर्जा पहली बार 1950 व्यापारक तौर पर वरतों में लिया गया। उन्होंने कहा कि उदों तो ही इसकी वरतों में लगातार वाधा हो रहा है। अज पूरी दुनिया में 400 न्यूक्लीयर पावर प्लांट काम कर रहे हैं ते धरती ते वरती जाने वाली कुल बिजली का 10% हिस्सा यह न्यूक्लीयर पावर प्लांट मुहैया करवा रहे हैं। उत्थे इस मौके साइंस सिटी के डायरैक्टर डॉक्टर राजेश ग्रोवर ने जानकारी देंदे दस्या कि परमाणु ऊर्जा सारे स्रोतों विचों सब तो वध किफायती ऊर्जा का स्रोत है। यह जलवायु परिवर्तन ते ग्रीनहाउस गैसा की निकासी को रोकने लई बहुत ही लाहेवंद है। इस गैलरी नूं स्थापित करन दा उद्देश लोकां विच परमाणु ऊर्जा दी वरतों प्रति पाए जांदे भरम भुलेखिआं नूं दिलचस्प ते सौखे ढंग नाल दूर करना है। इस गैलरी दी स्थापना तों बाद इस नूं देखण लई पहुंच रहे सैलानी ते विद्यार्थी वर्ग काफी उत्साहित नजर आ रहे। आपको पता है कि हमारी साइंस सिटी में पहले से एक एनर्जी की गैलरी है, एक एनर्जी पार्क है। ये गैलरी उसी का एक हिस्सा है और बेसिकली ये न्यूक्लियर पावर के बारे में बताती है। सिटी में खड़े हैं जहाँ पे विज्ञान और टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, तो न्यूक्लियर पावर एक बड़ा इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ पावर है। हमें पता है आजकल हम एक एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहे हैं। अगर न्यूक्लियर पावर हमारे पास हो और इनफ मात्रा में हो तो थोड़े रिलेटिवली थोड़े खर्चे में हमें ज़्यादा पावर मिल सकती है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे पावर प्लांट्स हैं, 400 से ज़्यादा पावर प्लांट्स ऑलरेडी हैं, इंडिया में भी लग रहे हैं। और इस न्यूक्लियर पावर गैलरी का मेन मकसद ये है कि हम लोगों को जागरूक करें कि न्यूक्लियर पावर सिर्फ नुकसान के लिए नहीं, हम फायदे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इंसानी फायदे के लिए ही यूज़ करनी चाहिए हमें। इस गैलरी में आपको किस तरह से न्यूक्लियर एनर्जी को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, उससे एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है और कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फिशन रिएक्शन होता है या फ्यूजन रिएक्शन होता है, और इसमें आपको ये भी पता लगेगा कि बेसिकली और कितनी तरह के आइसोटोप्स बनते हैं जो हम मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। ये बहुत सारे यहाँ पे पैनल्स बने हुए हैं और ये इंटरैक्टिव एग्जिबिट भी आप यहाँ पे देख रहे हैं। बच्चों के को इंटरेस्ट आए इसलिए एक एनिमेशन फिल्म भी इसमें लगाई गई है ताकि बच्चे इसको समझ सकें। मैम, इस गैलरी का कितना खर्चा आया जी? इस गैलरी दी 100% स्पॉन्सरशिप न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने की है। उन्होंने उन्होंने मिशन है न्यूक्लियर पावर के बारे च लोगों जागरूक करना, और इस करके उदा 100 पूरा टेक्निकल और फाइनेंशियल साड़ी सिर्फ बिल्डिंग तो आ गैलरी जी न्यूक्लियर गैलरी इन्होंने बनाई है। असं ये विजिट की है, सू काफ़ी नॉलेज मिली है कि किदा न्यूक्लियर सेंटर जोड़े बने हैं तो जी इलैक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो बारे काफ़ी नॉलेज मिली है। काफ़ी इन्होंने पैनल्स लगाए हुए आते जोड़े रिएक्शन होंगे आ न्यूक्लियर फीजन है न्यूक्लियर फ्यूजन है उन्होंने बारे काफ़ी नॉलेज सू मिली है कि किदा एक इन्होंने मॉडल इतने दिखाया है जिहड़ा सानू पूरा उहदी वर्किंग दस रहा है कि किदां जिहड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है उहदी वर्किंग किदां हो रही है, तो काफ़ी नॉलेज इस बारे मिली है। मेरी आ थर्ड विजिट है, इस तो पहला भी मैं साइंस सिटी आता रहना बिकॉज आई एम साइंस एंथुजियास्ट, सो काफ़ी सारी इतनी गैलरीज हैं, मैं देखता रहना कि किन्नी इतनी डेवलपमेंट हो रही है। तो हूँ मैंने पता लगे कि नवी न्यूक्लियर गैलरी बनी है, तो इतने आके पता लग गया कि नवे अपने पैनल सैटअप किए हैं इन्होंने, नवे गैलरीज में अपने पैनल्स लाए हैं, रैप्लिका लाया हुआ था न्यूक्लियर पावर प्लांट का, तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ हैगी है। तो मैं यही कहूँगी कि सारे जिन्हें भी साइंस लवर्स हैं, इवन इफ यू आर नॉट अ साइंस लवर, मस्ट विजिट साइंस सिटी एंड हैव एक्सपीरियंस ऑफ दिस न्यूली बिल्ड गैलरी एंड न्यूक्लियर रिएक्टर बिल्डिंग मॉडल। तो मैं यही कराँगा कि साइंस सिटी बहुत वधिया कर रही है, ये मेरी थर्ड विजिट है, आई एम एंजॉइंग इट। थैंक्स अलॉट। कपूरथला तो ब्यूरो रिपोर्ट, वधेरे खबरां लई तुसीं देखदे रहो अजीत वैब टीवी। देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत,
ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।